छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद में रेत खदान में खोलेआम मारपीट हुई है। ग्रामीणों के साथ रेत माफियाओं के गुर्गों ने मारपीट की है। अवैध रेत परिवहन रोकने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है। रेत माफिया के गुर्गों ने ग्रामीणों पर भी हमला किया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। अवैध रेत खनन को लेकर भी विवाद हुआ था। राजिम के हथखोज रेत घाट का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से। और ये देखिए मारपीट का जो वीडियो सामने आया है। अवैध खनन रोकने ग्रामीण पहुंचे थे और इसी दौरान ग्रामीणों के साथ मारपीट हो गई। खदान में खुलेआम मारपीट की घटना हुई है। ग्रामीणों के साथ रेत माफियाओं के गुर्गों ने ये मारपीट की है। दरअसल अवैध रेत परिवहन रोकने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है। रेत माफिया के गुर्गों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। यहाँ अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा था और जब इसे रोकने के लिए ग्रामीण पहुंचे तो रेत माफियाओं के गुर्गों ने ग्रामीणों के साथ पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आया है। अवैध रेत खनन को लेकर यह विवाद हुआ था। राजिम के हथखोज रेत घाट का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर अवैध खनन रोकने गए ग्रामीणों पर रेत माफियाओं के गुर्गों का हमला और इस हमले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब रेत माफिया अवैध तरीके से रेत का खनन करते हैं, नदियों का सीना छलनी करते हैं और लगातार रोक लगाए जाने पर भी ये बाज नहीं आते हैं। कई बार प्रशासनिक टीम पर भी ये हमला कर चुके हैं, वाहन चढ़ा चुके हैं। और ये देखिए जब ग्रामीण पहुंचे रोकने के लिए और इस दौरान भी जो रेत माफियाओं के गुर्गे हैं उन्होंने मिलकर मारपीट की है। ग्रामीणों के साथ बुरी तरीके से पिटाई का वीडियो सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। हालांकि ये वीडियो बनाए जाने के चलते इस दौरान भी कुछ लोगों ने वीडियो ना बनाने के लिए भी इशारा किया, लेकिन आप देखेंगे जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर सामने आया है। कार्रवाई की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन अभी किसी भी तरीके का कोई कठोर कदम इस पर नहीं उठाया जा सका है। तो रेत माफियाओं के गुंडागर्दी की तस्वीरें आप देखिए, रेत माफियाओं के गुर्गों की गुंडागर्दी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं। शेख इमरान, अब रेत माफियाओं के गुर्गों ने मारपीट की है ग्रामीणों के साथ, पूरा मामला बताएं और इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कोई एक्शन लिया गया इस पर? जी रेणुका, ये पूरा मामला जो है राजिम क्षेत्र के हथखोज रेत खदान का है, जहां जब ग्रामीणों को पता चला कि उनके गांव में अवैध खनन हो रहा है तो वो जब अवैध खनन को रोकवाने गए तो वहां मौजूद रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर यह हमला कर दिया। क्योंकि ये पहला ही मामला नहीं, जबकि इससे पहले भी पत्रकार जब कवरेज करने गए थे तो पत्रकारों को घेर कर रेत माफियाओं ने हमला किया था। तब प्रशासन ने 5 सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था कि उनके गांव में अवैध खदान क्यों चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नतीजा कि हथखोज में जिस तरह से दिन रात चैन माउंटेन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा था, जब ग्रामीण गए तो उनके साथ मारपीट की गई और वीडियो सामने आने के बाद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद पर है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। नतीजा है कि रेत माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब जिस तरह वीडियो में देखा जा रहा है कि ग्रामीणों को किस तरह वहां पर पिटाई कर रहे हैं, एक हाईवा वहां पर खड़ा है, जब अधिकारी कार्रवाई कर रहे रेत खदान में जाते हैं तो उनकी दलील ये रहती है कि रेत खदान में संलिप्त लोग गाड़ी वहां से हटा दिए हैं, फिर अधिकारी वहां से ऑफिस आते हैं तो फिर से ये रेत अवैध रेत खनन का जो खेल है वो चालू हो जाता है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नतीजा यह है कि इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और जिले में लगभग 8 ऐसे स्थान हैं जहां इस तरह के अवैध तरीके से रेत खदान संचालित हो रहा है। ड्रोन लगाकर अगर देखा जाए तो इन पूरे नदियों में कई सारे चैन माउंटेन नजर आएंगे, लेकिन प्रशासन कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। नतीजा यह है कि अब जो है धड़ल्ले के साथ रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है और परिवहन चल रहा है। प्रशासन इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा। प्रशासन मौन क्यों है इस पर? बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि इस खबर के न्यूज 18 के माध्यम से दिखाई जाने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। रायपुर से खबर है, बाइक टकराने पर कार चालकों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की है। कार चालकों ने महिलाओं से भी बदसलूकी की, मारपीट की और महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया। डीडी नगर थाना के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की ये पूरी घटना सामने आई है।
दिलचस्प खबर रायपुर से है, जहां पर बाइक टकराने पर कार चालकों ने युवक को बेरहमी से पीट दिया। कार चालकों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की, मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। डीडी नगर थाना के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पूर्व आईएएस अनिल टुटीजा आज होंगे कोर्ट में पेश। रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी कोर्ट में पेश करेगी आबकारी घोटाले में ईडी अनिल टुटीजा को रिमांड पर लेकर कर रही है पूछताछ। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी ईडी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां पूर्व आईएएस अनिल टुटीजा आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी कोर्ट में करेगी पेश। आबकारी घोटाले में ईडी अनिल टुटीजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पीएमएल स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी ईडी आज पूर्व आईएएस अनिल टुटीजा को। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, आज पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी ईडी पूर्व आईएएस अनिल टुटीजा को? जी देखिये, ईडी ने गिरफ्तार किया है शराब घोटाले मामले को लेकर के, और रिमांड अवधि है आज पूरी हो गई है। स्पेशल कोर्ट है, उस पर आज रिटायर्ड जो पूर्व जो आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ईडी हो सकता है कि और भी उसकी रिमांड की मांग करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं और जिनका एफआईआर में नाम भी आया है, और शराब घोटाले को लेकर के कई क्लू हैं वो ईडी को मिले हैं। तो ऐसे में पूछताछ की जो प्रक्रिया है और भी आगे हो सकती है, और आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभावित है। तो ऐसे में ईडी है रिमांड में लेकर के पूछताछ है वो की जा सकती है। इससे पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अभी जो शराब घोटाले के मामले को लेकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनवर ढेवर है और एपी त्रिपाठी है, और इसके अलावा भी अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में स्पेशल कोर्ट में पोस्ट करके जो ईडी है रिमांड लेने की कोशिश है वो करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो आज पेशी होनी है, शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां आज अनिल टुटीजा को कोर्ट में पेश किया जाना है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया, हॉस्टल का गेट तोड़कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के चलते ये छात्राएं काफी नाराज थी, और कई मांगों को लेकर हॉस्टल के सामने इन्होंने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी और नाराज छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। देर रात की तस्वीरें आप देखिए, जब बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने जमकर हंगामा कर दिया, हॉस्टल का गेट तोड़कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने से नाराज थी छात्राएं, कई मांगों को लेकर हॉस्टल के सामने इन्होंने हंगामा किया। एबीवीपी और नाराज छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ भी नारेबाजी की है। देर रात की तस्वीरें देखिए, काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और छात्राएं अपने हॉस्टल पहुंची। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर दूषित पानी का प्रकोप लगातार जारी है। तीसरा दिन है जहां पीलिया के 9 मरीज सामने आए हैं, 4 माह की बच्ची से लेकर 62 साल के बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं। तार बाहर के संजय गांधी नगर में लोग उल्टी दस्त से पीड़ित बताए गए हैं, और अब तक पीलिया से 29 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिशन योजना के तहत खूटा घाट से की जा रही है पानी की सप्लाई। तो बिलासपुर में दूषित पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। तीसरा दिन है जब पीलिया के 9 मरीज सामने आए हैं, 4 माह की बच्ची से लेकर 62 साल के बुजुर्ग तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। पीलिया से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तार बाहर के संजय गांधी नगर में लोग उल्टी दस्त से पीड़ित बताए जा रहे हैं। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, लगातार पीलिया से पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं, उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मासूम 4 माह की बच्ची से लेकर 62 साल का बुजुर्ग भी इसमें शामिल है।
रेणु जी, देखिए ये इस क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दूषित सप्लाई की वजह से जो लोग हैं पीलिया और डायरिया से प्रभावित हुए थे, और हर बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग यही दावा करता है कि कोई प्रभावी ठोस कदम उठाकर इनकी यहाँ पर जो दूषित पानी सप्लाई हो रही है उनकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से उनके तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित नजर आ रहे हैं। 9 लोगों को फिर से पुष्टि हुई है, 4 माह की मासूम बच्ची सहित 62 वर्षीय बुजुर्ग को पीलिया से ग्रसित पाया गया है। इसके साथ ही 2 दिन पहले 17 मरीजों की पुष्टि हुई थी। इस तरीके से लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये जो कारण बताया जा रहा है ये भी बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृत मिशन योजना के तहत जो यहां पर वाटर सप्लाई की जा रही है उनकी जो पाइपलाइनें हैं वो नालियों से होकर गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन की नालियां जो लीकेज है उससे वो दूषित पानी उनके घरों तक सप्लाई हो रहा है। ऐसे में जरूरत है कि नगर निगम उनके बातों पर ध्यान दे, उनकी शिकायतों पर तत्काल अमल करे और वहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर करे, ताकि इस तरीके के जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस लापरवाही की वजह से, निगम की लापरवाही की वजह से किसी मासूम या किसी की जान ना जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल देखना होगा कि आप इस पूरे मामले के आने के बाद किस तरीके से एक्शन लेता है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं रेणु जी, तो 7 लोगों की मौत इसी डिपो पारा में हुई थी, और उनकी भी यही वजह थी कि दूषित पानी सप्लाई होने की वजह से उल्टी दस्त से वो जो पीड़ित थे वो मजबूर थे और उनकी इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित होना हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी पहल करने की जरूरत है, इसके साथ ही नगर निगम को बेहतर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की लगातार जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, बार बार दूषित पानी सप्लाई होने की जो शिकायतें आ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो इस तरीके से देखिए कि साफ पानी दिए जाने का, उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था किए जाने की बात करी जा रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये साफ पानी कब तक और कितनी ज्यादा तादाद में मिल पाएगा, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और इस समय पानी मिल पाना बहुत मुश्किल है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है। बीजेपी सरकार उनके साथ पूरा न्याय करेगी। दरअसल ये राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, बीजेपी सरकार उनके साथ पूरा न्याय करेगी, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप का। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है, अगर राधिका खेड़ा रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का वीडियो सामने आया था, जिसमें वे रोती हुई नजर आई थी। उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था, और साथ ही उन्होंने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया था, और जो हाई कमान है उनको भी उन्होंने घेरा था। राधिका खेरा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरीके से उनके साथ में घटनाक्रम हुआ अत्यंत निंदनीय है। हमने उनके चित्कार को सुना, जिस तरीके से वो फोन से अपने शीर्ष नेतृत्व को बता रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जो महिलाओं के लिए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करती है। राधिका खेरा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में न्याय करेगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगरानी समिति ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से कई जगहों पर नकदी शराब और दूसरी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, और ऐसे मामलों में 1886 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। चुनाव के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों में अब तक ये कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा महासमुंद में 220 केस, दुर्ग जिले में 209 केस और गरियाबंद में 162 केस दर्ज हुए हैं। पहले चरण के चुनाव में 140 FIR दर्ज हुई हैं, दूसरे चरण में 768 केस और तीसरे चरण वाले लोकसभा क्षेत्रों में 7 सीटों पर 940 मामले दर्ज हो चुके हैं। पूरा पारदर्शी रहने के लिए तथा इंड्यूसमेंट फ्री, यानी किसी भी तरह के लालच प्रलोभन के बिना चुनाव कराने के लिए लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। उसके अंतर्गत हमारे सभी जिलों में FST और SST द्वारा जो भी मादक पदार्थ होंगे, कैश होंगे, लिकर, गांजा जैसे नारकोटिक्स के पदार्थ है, उसको लगातार जब्त भी किया जा रहा है, और उसके
जो इस तरह का गतिविधि संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। SDM तहसीलदार समेत पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों से निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर निकाला गया है फ्लैग मार्च। तो खबर मनेंद्रगढ़ से आपको दे रहे हैं जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। SDM तहसीलदार समेत पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे और शहर के मुख्य मार्गों से यह फ्लैग मार्च निकाला गया। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। कवर्धा से खबर है जहां जमीन विवाद में आरोपी ने घर में लगाई आग। घटना के समय घर में मौजूद थे पति पत्नी, बाल बाल बच्चे, पति पत्नी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। तो जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कवर्धा से खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आरोपी ने घर में आग लगा दी और घटना के समय घर में मौजूद थे पति पत्नी, बाल बाल पति पत्नी बच गए। आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और ये देखिए, जब आग लगाई गई एक बड़ा हादसा हो सकता था, पति पत्नी की जान भी जा सकती थी, झुलस सकते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों सुरक्षित हैं। और अब ये पूरा मामला जांच का विषय है। मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कवर्धा का पूरा मामला है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी ने जमीन विवाद के चलते घर में आग लगा दी, हालांकि बाल बाल पति पत्नी इसमें बच गए। दुर्ग में 20 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पाटन की एक ज्वेलरी दुकान से की थी लाखों की चोरी। पुलिस ने 20 लाख का माल बरामद किया है। खबर दुर्ग से है जहां 20 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पाटन की एक ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी की गई थी। पुलिस ने 20 लाख का माल भी बरामद किया। सख्ती से बड़ी खबर है। सटोरिए के ठिकाने पर पुलिस ने रेड मारी। IPL मैच पर लगवा रहे थे सट्टा, 4 सटोरिए पुलिस के हत्थे चढ़े। सख्ती और कोरबा से चल रहा था सट्टा और सटोरियों से 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप जब्त किए गए। 18 घंटे लगातार सटोरियों के खिलाफ चला सर्च ऑपरेशन। तो IPL पर 4 सटोरिए पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, सट्टा लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे संबंधित जो अन्य दस्तावेज हैं, जो जानकारी, ये मोबाइल हैं, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और आप देखिए, मोबाइल के साथ ही टैब का इस्तेमाल कर रहे थे, लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तमाम जानकारी जुटाई गई है। सटोरियों के ठिकानों पर पुलिस की रेड और उस रेड के दौरान IPL मैच पर सट्टा लगाते हुए जो सटोरिए हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की। फांसी लगाकर आत्महत्या की हेड कांस्टेबल ने। परिजनों ने पुलिस अफसरों पर आरोप लगाया। अफसरों की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने का आरोप लगाया गया है। हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाई और आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस अफसरों पर आरोप लगाया है। परिजनों का ये कहना है कि जो अफसर हैं वो काफ़ी परेशान कर रहे थे और अफसरों की प्रताड़ना से इतना तंग आ चुके थे हेड कांस्टेबल कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ज़रा सोचिए किस तरीके का वातावरण उनके आसपास रहा था कि वो मानसिक रूप से इतने ज़्यादा ग्रसित हो चुके थे कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने का आरोप अफसरों की प्रताड़ना बताई जा रही है। और ये परिजनों का कहना है कि वो परेशान थे, उनके जो अफसर थे उन्हें परेशान कर रहे थे और इसके चलते उन्होंने आत्महत्या की है। बिलासपुर में मर्डर का खुलासा हुआ। बेटा ही अपने पिता का मौत का हत्यारा निकला है। बेटे ने गला रेत कर उतारा था मौत के घाट। जमीन के कारण पिता की हत्या की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले मिली थी पिता की लाश। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और चाकू भी जब्त कर लिया गया है। खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं जहां पर मर्डर का खुलासा हुआ। बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। बेटे ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। जमीन के कारण पिता की हत्या की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।